You can't tell me what you do. Cody's brothers, my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? Why you want act like that? Why you play hard? Hey guys, good morning. Shreya Mata Di, kaise ho aap sab log? Umeed karti hoon aap log bahut acche honge. Honey Deep ki duniya mein aap sabhi ka swagat hai. So happy Ashtami, meri aur meri puri family ki taraf se aap sabhi ko happy Ashtami. So jaise ki aaj hai navratron ka 8th din. So maine aaj hum log 8th din pe hum log kanjak banate hain. So maine socha chalo main nahaa dho liyo fatafat se. तो मैंने सोचा चलो अब मैं जा रही थी प्रसाद बनाने, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के संग भी क्यों ना शेयर किया जाए. सही है ना, जैसे मैं बनाती हूँ मेरा स्टाइल आप लोग के संग शेयर करना चाहती हूँ. सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सका प्यारे प्यारे कमेंट्स और प्यार दीजिए. सो मिलते हैं रेसिपी के संग. सो गाइस, सबसे पहले आते हैं हम अपने छोलों की तरफ. सो मैंने रात को ही आधा किलो छोले लेके रख लिए थे, आधा किलो. और मैंने उनको अच्छा था खुले बर्तन में. अब कभी भी छोले भिगो या राजमा भिगो या कुछ भी चीज़ भिगो, हमेशा खुले बर्तन में भिगोने चाहिए जिससे ये अच्छे से फूल जाए और उनको स्पेस मिल जाए. जितने छोटे बर्तन में घूमेंगे इनको स्पेस नहीं मिल पाएगा गाइस. तो हमने इनको भिगो दिया था. पहले इनको वॉश करके इनको बॉयल करते हैं, दिखाते हैं आपको. मैंने छोले से वॉश कर लिए हैं और अब मैं इनको डाल रही हूँ कुकर में, क्योंकि उनका प्रेशर करना है. पानी भी मैंने इसी के संगे ले लिया. तो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है. यहाँ पे रख दिए छोले और इसमें मैं जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं मतलब आधा किलो छोले, तो इसके थोड़ा सा ही ऊपर पानी है, इसलिए आप देख सकते हो ज़्यादा भी मैंने पानी नहीं लिया है. सो आप अपने हिसाब से ले सकते हो जैसे कि आप नॉर्मली बॉइल करते हैं. उसके अंदर डालना है हमें 1 चम्मच नमक, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है. और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून बराबर. और अब इसको ढक्कन लगा के हमें इसको करना है प्रेशर, मीन्स हमें इसको 2 सीटी लगानी है फुल गैस पे और उसके बाद हमें इसको 2 सीटी लगाएंगे धीमी आंच पे. सो गाइस, मैंने यहाँ पे रख दिया हलवा बनाना, हाथ का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई. तो इसमें डालते हैं, मैं अपने हिसाब से इसमें 1 कटोरी मैदा डालूंगी सूजी. कढ़ाई चीज़ें गर्म हो जाए तो अच्छे से, मैं धीमी आँच पे. तो इसमें 1 कटोरी हमने सूजी डालनी है. मेरे को अंदाजा है, आप भले नाप के भी डाल सकते हो जैसे आपको सूटेबल हो. तो मैंने इसमें 1 कटोरी ही डाल दी है सूजी. और इसको धीमी आंच पे हमने पूरा गेहूं का कलर होता है ना, जैसे गेहूं का कलर होता है वैसे ही हमको इसको फ्राई करने, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट किस कलर का होता है उसी कलर तक हमको इसको धीमी आंच पे फ्राई करना है, भूनना है. उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे. सो गाइस, जितनी देर में हमारा सूजी ब्राउन होएगी उतनी देर में हम अपना आटे की मैनेजमेंट निकाल लेते हैं कि हमें पूड़ियों के लिए कैसा आटा गूनना है, तो वो भी आपको दिखाते हैं. सो गाइस, जितनी देर में हमारी सूजी फ्राई होती है हम लोग आटा लगा लेते हैं अपने लिए. तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी सूजी डाली है उसके अंदर. मैं अभी नई पैकेट खोल रही हूँ इसके लिए. सो इसमें हमें डालनी है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी. उससे ना क्या होगा, नॉर्मल पूड़ी तो सबने ही खाई है, पर ये थोड़ी मसालेदार पूड़ी बनेगी ना, तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है. और साथ में अपनी सूजी का भी ध्यान देना है हमने, जो कि ये लगे ना, क्योंकि अगर ये लग गई तो कहीं पे अच्छे से भून जाएगी और कहीं पे ये काली काली रहेगी, मतलब कच्ची रह जाएगी. इसलिए हमें दोनों चीज़ों पर अपना फोकस बराबर रखना है. और एक तरफ हमारे ऊपर बॉइल हो रहे छोले. सो मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है इसमें. अब हम इसमें डालेंगे नमक. आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए. मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ. मेरा स्पून छोटा है जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताई है. और इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि ना इसका टेक्सचर और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छा आएगा. 1 चम्मच हल्दी, जिससे कि लुक वाइज बहुत अच्छी आएगी. आप देखना एक बार, जैसे मैं बना रही हूँ, एक बार ऐसे जरूर बना कर देखना, आपको सच में गाइस बहुत अच्छा लगेगा. देख सकते हैं आप मेरी सूजी का कलर सेम पार्ले जी बिस्किट बराबर हो गया है, इतना ही ब्राउन चाहिए हमें. और ये मैंने 1 कटोरी घी ले लिया है. सो मैंने इसको मेल्ट कर लिया था पहले कि मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा बचा देती हूँ, तो ये मैं बाद में डालूंगी.
और सबसे जरूरी चीज है इसके अंदर हमें डालनी है सिर्फ एक चुटकी भर के सी सिर्फ एक चुटकी हल्दी, जिससे भी कलर बहुत अच्छा आएगा। जितनी देर में हमारी सूजी भून रही है घी के अंदर, उतनी देर में मैंने ये एक छोटा सा नारियल ले लिया है और कटोरी में इसको छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। ऐसे तो हम लोग इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपके पास डाल सकते हो, पर मैं सिर्फ हलवे में नारियल डालती हूँ क्योंकि मुझे नारियल ज़्यादा पसंद है और हलवे में ज़्यादा नारियल डालना ही पसंद करती हूँ, वेफर्स भी यही करती हूँ। सो गाइस देखिए मैंने गैस पे बढ़ दिया थोड़ा तेज कर दिया है और हमारा जो भी ये मिश्रण है अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से ब्राउन हो गया है। इस तरीके का मुझे चाहिए था उसी प्रकार का हो गया। देखिए सेम जैसे पार्ले जी बिस्किट होता है ना, सेम वो कलर आ चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक हल्का सा गर्म और करेंगे और उसके बाद, और मैंने ये यहाँ पे नारियल भी चॉप कर लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने ये कोकोनट सूखा वाला। सो बस सभी फटाफट से इसके अंदर पानी डालते हैं। सो अब हम इसमें डालते हैं पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमें लिक्विड नहीं बनाना है, हमें सॉफ्ट सॉफ्ट बनाना है। एक तरफ से पानी डालोगे, दूसरी तरफ से आपको इसको चलाते रहना है। देन मैं इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ कोकोनट, तो थोड़े से वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और बच्चों को खाने में ईजी रहेगा। सो अगर मैंने इसमें मान लो एक कटोरी सूजी ली है, तो दो कटोरी मैंने इसमें, ढाई कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है अपने अंदर से। आप लोग नाप की भी ले सकते हो, मैं बनाती रहती हूँ इसलिए गाइस मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है। तो इसको भी अच्छे से करना है इसको जब तक ये पूरा पानी सूखे ना। सो देख सकते हो आप गाइस का पानी सूख गया, अच्छे से नहीं सूखा, हल्का पानी है। तो अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं, तो जिस हिसाब से आप कटोरी लो उसी हिसाब से इसमें एक कटोरी चीनी भी डाल दो, जिस हिसाब से सूजी लोगे। अगर आपके पास एक कटोरी में सूजी है तो फिर आप डेढ़ कटोरी चीनी डाल दो। कभी कभी जल्दी जल्दी में मैंने इसमें डाल दी है डेढ़ कटोरी, एक कटोरी ऊपर तो थोड़ी सी चीनी, डेढ़ कटोरी नहीं डाली, थोड़ी सी कमी डाली है। और अभी ये चीनी थोड़ा सा गलने में टाइम लेगी, जो ये बचा हुआ घी है ये हम थोड़ा बाद में डालेंगे, तब तक पहले अच्छे से गल जाए, सूख जाए, पूरा पानी रिलीज कर जाए, क्योंकि हम इसमें चीनी डालते हैं तो चीनी का भी पानी रिलीज होता है। वो भी थोड़ा सा धीमी आँच पे, इसको मीडियम आँच पे हमें पकाना है सूजी को, जिससे कि थोड़ा पानी सूख जाए। तब तक जब तक हमने इसमें हम आटे की तैयारी कर ली, जिसमें हमने इसमें नमक मिर्च थोड़ी सी हल्दी डाली थी, तो अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे। मैंने आधा चम्मच अजवाइन ले लिए और मैं इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करके डालना है, ऐसे हाथों से, दोनों हथेलियों से करके ऐसे डालने से क्या होगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बढ़ेगा आपका। सो हमने इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है। आपने अपने हलवे को धीरे धीरे से घुमाते रहना है, घुमाते रहोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये लग भी सकता है, जल भी सकता है और फिर वो ना ही वो खुशबू आएगी ना ही वो फ्लेवर आएगा गाइस। तो इसलिए इसको धीमी आंच पे घुमाते रहना है इसको, जब तक अच्छे से सूप पानी रिलीज ना कर दे चीनी अपना। ये इस स्टेज पे पहुंच चुका है गाइस, अभी ये देख सकते हैं, ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये पूरे अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है इसके ऊपर, धीरे धीरे से हो रहा है। तो हमें जब तक पकाना था तो ये एकदम से चम्मच पे से हलवा छोड़ ना दे, पूरा चम्मच क्लीन होना चाहिए हमारा। सी अभी ये धीरे धीरे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बचा हुआ घी है वो भी इसमें डाल देंगे इस टाइम पे। सी डाल दिया है मैंने, अब इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे और जितना आप इसको पकाओगे ना सीरियसली गाइस, उतनी अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। और प्रसाद में, और वैसे भी माता रानी का प्रसाद है, आप लोगों को खुद को ही पता है माता रानी का प्रसाद है, जैसे भी बनाओ अच्छा तो बनता ही है। सो देख सकते हो आप गाइस मेरा हलवा हो गया एकदम से रेडी, आप देख सकते हो बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा इसी, ये देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा, हमें इसी तरह तक पकाना है इसको। तो फाइनली देखो अच्छे से घुल भी रहा है और बिल्कुल भी हमारी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा, तो हमें इस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। सो फाइनली हमारा हलवा हो चुका है रेडी, अभी हम इसको डाल देते हैं एक पैन में, जिससे कि इसमें हमें पूड़ियाँ भी फ्राई करनी है तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो
कितनी इजीली निकल रहा है, पूरी कढ़ाई साफ की साफ है। फाइनली हो चुका है हमारा कड़ा प्रसाद मीन्स हलवा रेडी। हमारा हलवा हो चुका है रेडी, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा कलर और सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ है। और अब हम इसको बंद करके ढक्कन से बंद वगैरह देते हैं। और इधर छोले बॉईल हो रहे हैं, अभी हमारे हुए नहीं है। इधर हम फटाफट से अपना आटा लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि आटे में क्या क्या डालते हैं। मैंने इसमें डाला है 3 कप कटोरी, 1 कप सूजी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ा आधा चम्मच अजवाइन को मिक्स करके डाला है, और हल्दी डाली है 2-3 पिंच बराबर, प्लस 1 चम्मच टी मतलब छोटा वाला टीस्पून, हाफ टी स्पून मिर्ची डाली है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और अब हम इसको भूनते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें हमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग रिफाइंड भी डालना है। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो, पर मैं इसमें रिफाइंड डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे रिफाइंड डाल। देन अब इसको हम फटाफट से मिक्स भून। सो गाइस गर्म करते हैं इसको भूनने की तैयारी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सब सामान मिल जाना चाहिए एक साथ। ऐसे तो भूनते भूनते भी मिल जाएगा, पर हम इसको एक बार हाथ से भी मिला लेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें ऑयल डालता है वो भी सब जगह मिलना चाहिए। उसके बाद ही, और जो हम नॉर्मल पूरी तो आपने देखो खाई होगी, नॉर्मली आटे की पूरी तो सभी बनाते हैं कंजक में, पर ये पूरी कुछ अलग होती है और ये देखने में भी अच्छी लगती है। बच्चे चाय के संग भी खाएं तो भी टेस्टी लगेगी। और अब इसमें पानी डाल के इसका एक टाइट सा डो बना लेते हैं। मीन ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा लूज भी नहीं, क्योंकि हमें इसकी पूरी बनानी है तो टाइट ही बेस्ट रहेगा, राइट। सो गाइस मैंने यहाँ पे पूरी का आटा गूंद के छोटी छोटी सी लोइयाँ भी बना के रख ली है, जिससे कि मेरा टाइम भी बचेगा। और जैसे कि आपने देखा मैंने एकदम टाइट आटा गूंदा सी, आप देख सकते हो फिंगर डाल रही हूँ मैं, तो बहुत अच्छा आटा गूंदा है। तो अभी मैंने इसमें फटाफट से आटे की पेड़ियाँ बना ली है, क्योंकि लेट भी हो रहा है, कंजकी भी आने वाली है मेरी। सो फटाफट से पूड़ियाँ सेकते हैं, पहले इन सबको बेल के रख लेते हैं, उसके बाद कढ़ाई में तेल लग के फटाफट सेकते हैं। सो गाइस इधर मैंने रख दिया अपनी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए नॉन स्टिक में, और इधर मैंने पेड़े बना के रख लिए। और मैं फटाफट से पहले इनकी पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ, और आप देख सकती हो कि मैं कैसे बेल रही हूँ। देखो धीमे धीमे हाथ से बेलना है इसको। और वैसे भी पूड़ियाँ गोल हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, अदरवाइज टेढ़ी मेढ़ी भी हो तो चलेगा, मतलब अच्छे होने चाहिए। डेट्स इट, सी आप देख सकते हो इतना बड़ा साइज मैंने इसका बनाया है पूड़ी का। अब हम फटाफट से सारी पूड़ियाँ बेलते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस मैंने अपनी पूड़ियाँ सारी बेल के रख ली है, इजली रहती है। अगर आप बेल के रख लो ना तो सेकने में इजली रहता है। अगर मेरा तेल भी गर्म हो रहा है तो तेल अच्छा सा गर्म हो चुका है, पर मुझे उसको चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं छोटे से आटे की लोई लेके डाल के देख रही हूँ। तो फाइनली फूल के मेरी पूड़ी ऊपर आ चुकी है, आपको दिखाती हूँ, छोटी सी पूड़ी ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। और ये जो छोटी सी पूड़ी बनाई है ये पहले हम लोग खिलाएंगे अग्नि माता को। सी गैस के नीचे डालते जो छोटी पूड़ी, उससे प्रसाद अच्छा बनता है, क्योंकि पहले इनका भोग लगाना चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके अपनी सारी पूड़ियाँ फटाफट सेक लेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। और हमें हमेशा पूड़ियाँ सेकते समय ना ऐसे ध्यान रखना है कि पूड़ी डाल के ना ऐसे से एक कोने कोने से ऐसे से करना चाहिए, जैसे कि फटाफट फ्राई है। और आप देख सकते हो कि फटाफट हमारी सारी पूड़ियाँ पूड़ी फूल गई है। ऐसे कर करके हमें सारी पूड़ियाँ सेकनी है, बीच में डालना है स्पून, उसको ऐसे जगह के गर्म करना है, घुमाना है पूड़ी को, जिससे कि पूड़ी ऐसे फूल भी जाए और एकदम लाल हो जाए। और गाइस आप बिलीव करना कि ये पूड़ी जल्दी से बैठने वालों में से नहीं है, जैसे ही फूली फूली है ये ऐसी ही फूली फूली रहेगी, चाहे आप इसको मतलब ज़्यादा नहीं आधा एक घंटा ऐसी रहेगी। अगर आप इसे खुले बर्तन में रखोगे, अगर आप इसको पिचका के खुद रखना चाहोगे तो तभी ये होगी। इसको आप वैसे भी बना सकते हो कभी भी शाम के नाश्ते में या कुछ भी दोपहर के नाश्ते में। और इस पर आलू की सब्जी तो आपको पता है एक नंबर लगती है, और ये लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। आप देख रहे हो कि मेरी एक एक करके सारी पूड़ियाँ सिक रही हैं और गोल गोल फूल भी रही हैं, नो डाउट। ये देखिए कितनी अच्छी फूली है, और ये मेरी सारी पूड़ी जितनी भी मैंने सेकी है सारी एक से बढ़कर एक फूली है, और ये ऐसे ही रहेगी जब तक मैं इसको खुले बर्तन में रखूंगी। सो ऐसा करते फटाफट बिना सारे टाइम वेस्ट करे सारी पूड़ियाँ सेक लेते। सो गाइस इतनी देर में हमारी पूड़ियाँ हो गई है, ऑलमोस्ट वी डू डन, थोड़ी सी बची है। सो मैंने यहाँ पे छोटे मसाले वाले करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर काट लिए, 2 हरी मिर्च चॉप कर लिए मोटी मोटी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में,
सी। और अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। तो हमारा तेल हो गया अच्छे से गरम, अब हम इसमें डाल देते थोड़ा सा जीरा। जीरा से तड़कने लग गया अच्छे से, बिल्कुल काला नहीं करना, लाल करना है। और अब इसमें डाल देते टमाटर और हरी मिर्च मिलाते हैं। साथ में टमाटर डालते हैं, हमें डालना है इसमें नमक, जिससे कि टमाटर अच्छे गल जाए और पूरे मिक्स हो जाए। मैंने डाल दिया आधा टीस्पून उसमें डालता, एक टीस्पून उसमें डाल दिया, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब टमाटर गलने का वेट करते हैं, तब तक टमाटर गलते हैं। सो गाइस, टमाटर हमारे गल चुके हैं जितने हमें गलाने थे। और अब इसमें डाल देते हैं हम आधा टीस्पून, आधे से भी कम हल्दी, मिर्ची, नमक, मसाले आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, एक चम्मच लाल मिर्च। और अब इसमें बिना टाइम वेस्ट करके डाल देते हैं छोले। और उनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाले डालते ही हमें इसमें डालना है अपनी फेवरेट इंग्रेडिएंट जो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ पे समझ करके उसके बाद डालना है। तो देखो, ऐसा नहीं कि हमें खाली प्रसाद बनाना है, हमें उसके अंदर स्वाद भी चाहिए जो बच्चों को भी अच्छी लगे और उसे बड़ा खाए उसको भी टेस्टी लगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है, इसको 5 से 10 मिनट पकाना है, 5 मिनट बोल दीजिए क्योंकि ऑलरेडी बॉइल हो रखी है। तो बहुत ही अच्छा टेक्स्चर हो जाएगा सीरियसली, और बच्चों को भी खाने में अच्छा लगेगा। सो गाइस, इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं अमचूर, अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बड़ों को भी अच्छा लगेगा। और हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, बस ऑलमोस्ट डन हो गया है हमारे छोले। गाइस, मेरे छोले हो गए हैं डन, आप देख सकते हो, लुकिंग बाई भी अच्छी हो, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। और साथ में मेरी पूड़ी भी हो गई है और हलवा भी मैंने आपको दिखाया था, मेरा हलवा भी हो चुका है रेडी। सो अभी बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट कंजकों को खाना खिलाते हैं। वो ब्लॉग में मिलेगा मेरे आपको कि हमने कैसे कंजक के बनाई, वो आपको हमारे ब्लॉग में दिखेगा। सो ये मेरी खाली प्रसाद की रेसिपी थी, होप सो कि आपको पसंद है। गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने बनाया आलू करे, काले छोले, पूड़ी और हलवा, माता का प्रसाद। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और कमेंट्स भी कीजिए अच्छे अच्छे। सो आई होप कि आपको सीरियसली पसंद आई हो मेरा स्टाइल पूड़ियों का, बाकी जैसा भी आपने देखा ही है। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय माता दी।